Example number it is 14. To find the numerically largest eigenvalue using iterative method, we use the equation. अब चार इक्वेशन आपको दी है, चारों में से हम कौन सा यूज करते हैं आपको बताना है. तो a equals to lambda x, इसको तो नहीं यूज करते हैं. x equals to x, इसको भी हम यूज नहीं करते हैं. x equals to lambda square x, यहाँ पे lambda square आया, but actually यहाँ पे lambda होना चाहिए, इसको भी हम यूज नहीं करते. तो चौथा अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ये सही है, मतलब ax equals to is what lambda x, इसको हम यूज करते हैं जब हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालते हैं बाय इटरेशन मेथड. इटरेशन मेथड को ही हम क्या कहते हैं, इट इज व्हाट रेलेक्स पावर मेथड, जो हमने अभी देखा था पिछला एग्जांपल. तो ये इक्वेशन को आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ पिकार्ड्स मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज. अब पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बिकॉज एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. तो जनरल फॉर्मूला हमको बताना है, क्योंकि पिकार्ड्स मेथड का जो हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं वो हम वायन के टर्म में लिखते हैं. देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन अगर आपको दिखेगा, वाइन के टर्म में ऑप्शन डी दिख रहा है और ऑप्शन ए दिख रहा है यहाँ पे, तो वाइन इक्वल्स टू हमें दिख रहा है यहाँ पे. तो वाइन इक्वल्स टू एक्चुअली वाई जीरो होता है, मतलब वाई जीरो आना चाहिए, तो ये तो करेक्ट है यहाँ पे. प्लस इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू इट इज वॉट एक्स वन, या फिर हम यहाँ पे एक्चुअली बेटर वे एक्स लिखते हैं, एक्स वन तो नहीं लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एन माइनस वन एन डी एक्स. तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे वाई एन माइनस वन आए इसलिए ये इनकरेक्ट है. और यहाँ पे वाई एन प्लस वन है, अगर यहाँ पे वाई एन प्लस वन अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली वाई एन आना चाहिए था, तब ये फॉर्मूला करेक्ट होता था. अब यहाँ पे भी अगर हम वाई एन प्लस वन लेते हैं तो यहाँ पे वाई एन माइनस वन आ रहा है, बट यहाँ पे वाई जीरो होना चाहिए था, तब ये फॉर्मूला करेक्ट रहता था. तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा. तो आपको फॉर्मूला एग्जैक्टली पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, देन हम उसका एग्जैक्ट आंसर लिख सकते हैं. तो यहाँ पे एक्स वन नहीं होना चाहिए अपर लिमिट, वहां पे एक्स होना चाहिए, गलती से यहाँ पे एक्स वन हुआ है. एग्जाम्पल नंबर इट इज 16 नाउ. इट इज If dy by dx equals to xy plus y square, ये हमको दिया हुआ है at y of 0 equals to 1. अब ये हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है. अब मुझे k1 का वैल्यू दिया, यहाँ पे k2 भी दिया, k3 भी दिया और k4 भी दिया. Then the approximate value of y at x equals to 0.1 by Runge-Kutta method of fourth order formula is given by. अब इस चारों में से आपको कौन सा वाला आंसर करेक्ट है ये बताना है. तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूले में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इट इज y1. y1 का मतलब होता है इट इज y ऑफ हम x0 प्लस h फाइंड आउट करते हैं. अब x0 आप यहां से निकालेंगे, ये मेरा हो जाएगा x0 दैट इज 0, इसको आपने 0 लिख दिया. और h क्या होगा यहां पे, अब h देखिए आपको क्या कर लेंगे आप, आपको x इक्वल्स टू 0.1 पे आंसर निकालना है. तो आप x यहां पे 0.1 ले सकते हैं. तो मेरा यहां पे h 0.1 अगर लेते हैं तो y ऑफ 0.1 हम यहां पे निकाल लेंगे, जो हमको यहां पे बोला हुआ निकालने के लिए. एंड बाय Runge-Kutta मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर फॉर्मूला होता है 1/6 इट इज k1 प्लस इट इज 2k2 प्लस 2k3 प्लस इट इज k4. ये फॉर्मूला आप याद रखिए. यहाँ पे आपको सिर्फ k1, k2, k3, k4 के वैल्यूज डालने पड़ेंगे. तो k1 क्या हो गया, इट इज व्हाट 0.1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इट इज व्हाट 0.11 इट इज 55, देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ इट इज व्हाट 0.1172, देन प्लस इट इज वी आर हैविंग 0. इट इज 13598. ये आ गया. अब इसको आप इवैल्यूएट कर लेंगे. यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इट इज 1.1168. इसको आप इवैल्यूएट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं. एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं. इफ dy by dx equals to xy plus y square at y of 0 equals to 1, then using Runge-Kutta method, the value of k1 with a step size 0.1 is given by. स्टेप साइज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ h आपको दिया हुआ है, भाई x कितने से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 0.1 से हो रहा है इंक्रीज, आपको बताया हुआ है. तो h मैंने यहाँ पे 0.1 ले लिया. अब आपको k1 का वैल्यू निकालना है. ऐसा सिमिलर एग्जाम्पल हमने देखा था, बस यहाँ पे फंक्शन चेंज है. अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आप एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन कर देंगे. एफ ऑफ एक्स वाई इज व्हाट, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया. अब के वन क्या होता है बताइए फॉर्मूले में, इट इज एच इंटू होता है एफ ऑफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो. एच मेरा 0.1 ये हमको दिया हुआ है. और एक्स जीरो वाई जीरो आप इनिशियल कंडीशन से आप यहां से निकालेंगे, तो यहां से एक्स जीरो हो जाएगा 0 और वाई जीरो हो जाएगा 1, जिसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हो जाएगा 0.1. अब फंक्शन क्या डिफाइंड है देखिए, आपको यहां पे x का वैल्यू 0 पुट अप करना पड़ेगा और y का वैल्यू 1, ये मेरा फंक्शन है. तो x का वैल्यू मैंने यहां पे 0 पुट अप किया और y का वैल्यू 1 पुट अप किया, तो हो जाएगा 1 square, तो हो जाएगा 1. तो आंसर आ जाएगा इज व्हाट जस्ट 0.1, बिकॉज ये क्वांटिटी मेरी 0 हो रही है, मतलब ऑप्शन ए यहां पे हमारा करेक्ट आ रहा है जो हमने यहां पे लिखा हुआ है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. यहां पे एग्जांपल नंबर इट इज व्हाट 18. 18 is the largest eigenvalue for the matrix 4, 1, 1, 2 is. अब largest eigenvalue क्या रहेगी ये हमको बताना है. अब आप देखिए इसको iterative method से भी calculate कर सकते हैं, but उसको time लगेगा.
अगर आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा कि भाई अगर 2x2 मैट्रिक्स है मेरे पास, तो आपको पता है कि इसकी दो ही आइगन वैल्यू आएंगी, तो इसके लिए आप एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं और वहां से आइगन वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं 2x2 का, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस S1। S1 मतलब क्या होता है, ये डायगोनल का सम, इन दोनों का सम हमको लेना है 4+2, ये हो जाएगा 6 लैम्डा यहां पे। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 4 × 2 मतलब 8, देन माइनस 1, 1 × 1 1 हो जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा यहां पे, तो जाएगा +7 = 0। अब इसको आप यहां पे सॉल्व कर लीजिए, तो आपको यहां पे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा और वो लैम्डा का वैल्यू हमारा रहता है आइगन वैल्यू। तो यहां पे बताइए मेरे आइगन वैल्यूज क्या रहेंगे, यहां पे आपके आइगन वैल्यू मतलब लैम्डा का वैल्यू अगर इज व्हाट 3 ± √3, तो मतलब आपका लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट 3 + √3 और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 3 - √3, तो 3 + √3 मतलब 3 + √3 है तो आ जाएगा 4 point something, ओके, बिकॉज √3 1.41 आता है, तो यहां पे ये मेरा ऑप्शन सी आएगा 4.414। और 3 - √3 अगर हम करते हैं मतलब 3 - 1.14 1.1586, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा इट इज व्हाट 4.414, तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट है। तो अगर आप ऐसा निकालेंगे तो ये थोड़ा इजी पड़ता है। अगर आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालना है बाय इटरेटिव मेथड, तो पहले तो आपको ये मैट्रिक्स कंसीडर करना पड़ेगा हमारा जो है 4 1 1 2, इसको मैं वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं दैट इज 10, और इसके बाद फिर हम कॉन्स्टेंटली इसको रिपीट करते जाते हैं प्रोसेस जब तक हमको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू नहीं मिलता है, मतलब जब तक हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स इक्वल नहीं आते हैं। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 × 1 4 हो जाएगा, 1 × 0 1 मतलब 4 यहां पे आ जाएगा, 1 × 1 यहां पे आ जाएगा, 2 × 0 यहां पे आ जाएगा, मतलब ये 1 आ जाएगा। यहां से अगर मैं लार्जेस्ट निकालता हूं तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा इज अबाउट 4 और यहां पे आ जाएगा इज अबाउट 1 और ये 1/4, तो ये मेरा पहला आइगन वैल्यू आया। तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि भी हमारे 4 लार्जेस्ट रहेगा, बिकॉज हम सामने में और कैलकुलेशन जब करते जाएंगे तो ये 4 रिड्यूस भी हो सकता है फिर इंक्रीज भी हो सकता है, तो इसलिए हम आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा कैलकुलेशन कंटिन्यूअसली। तो अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो ये बहुत आसान तरीका होता है, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं बाद में उसके रूट्स कैसे फास्टली निकाल सकते हैं, तो वहां से आप लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 19 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 19 दिया हुआ है, इफ dy/dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ xy देन द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू x1 बाय द रुंगेकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर इज गिवन बाय, तो मतलब आपको रुंगेकुट्टा मेथड का फॉर्मूला ही बताना है, मैंने अभी आपको बताया था वो फॉर्मूला होगा यहाँ पे देखिए। तो यहाँ 1/1 हम देखते हैं, तो पहला फॉर्मूला देखो y0 + k1 + 2k2 + 2k3 + k4 है, बट यहाँ पे तो यहाँ पे 1/6 नहीं है जो 1/6 रहना चाहिए, तो इसलिए ये फॉर्मूला गलत हो गया। फिर अगर हम बी देखते हैं तो बी में देखिए 1/6 भी नहीं है और यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला गलत है। सी अगर देखते हैं तो वहां पे h/6 आ रहा है, हमें 1/6 चाहिए रहता, ठीक है, तो ये माइनस भी आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। अब अगर बचता है तो लास्ट वाला, तो ये करेक्ट है मेरे पास y0 + 1/6 k1 + 2k2 + 2k3 + k4, सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ही इजीली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 20, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फॉर द मैट्रिक्स, दिस इज 3x3 मैट्रिक्स यूजिंग इटरेटिव मेथड इज गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पे अगर ये मैट्रिक्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे, ये मेरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज ट्रायंगल इज फॉर्मिंग इन द अपर सेक्शन और ये लोअर के एलिमेंट 0 है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही मेरे आइगन वैल्यूज होते हैं। तो मेरे आइगन वैल्यूज क्या हो गए यहाँ पे 1, 2, 3। अब इसमें से मुझे लार्जेस्ट निकालना है तो लार्जेस्ट क्या रहेगा ऑटोमेटिकली इट इज व्हाट 3, ओके। तो ऐसे भी ऑब्जर्वेशन आपको करने हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते बैठोगे, मतलब यहाँ ये वाले फॉर्मूले से λ³ - S1 λ² प्लस इट इज व्हाट S2 λ - determinant of A = 0, इसको कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद फिर आप निकालोगे भाई कौन सा मतलब यहाँ पे हाईएस्ट है, तो ऐसा बेवकूफी मत करना, या दर इज इटरेटिव फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, कभी कभी आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है प्रॉब्लम को भी। अगर मैं बस अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स रहता है उस समय हमारे जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं मतलब पिवोटल एलिमेंट्स जो होते हैं वही हमारे आइगन वैल्यूज होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है दैट इज 3 इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज एग्जांपल नंबर 21, लेट x0 = 100 बी द इनिशियल आइगन वेक्टर व्हाइल फाइंडिंग द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बाय इटरेटिव मेथड। फर्स्ट आइगन वेक्टर x1 फॉर द मैट्रिक्स 3 2 4 2 0 2 4 3 2 कैन बी फाउंड एज। अब देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट आइगन वेक्टर निकालना है, अब इसके लिए तो आपको मतलब जो मेथड होता है वो तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इट इज व्हाट 3 2 4 2 0 2 एंड इट इज व्हाट 4 2 3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा हमारे इनिशियल वेक्टर से जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है,
मतलब 100, और यहां पे मुझे निकालना है कि इट इज व्हाट फर्स्ट आइगन वेक्टर, विच इज अप्रोक्सीमेटेड आइगन वेक्टर, वो हमको यहां पे निकालना है। तो यहां पे हमें करना क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद हमको आइगन वेक्टर निकालना है। कैसे निकालते हैं आइगन वेक्टर हम देखते हैं यहां पे। तो देखिए मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को यहां पे 0 से और 4 को यहां पे 0 से, तो मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, इट इज व्हाट 3 + 0 + 0 आ गया। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा इस कॉलम से, तो मुझे लगेगा 2 + 0 + इट इज व्हाट 0। फिर आप थर्ड रो का मल्टीप्लीकेशन लेंगे ये कॉलम से, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट 4 + इट इज 0 + 0। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई ये आ गया 3 2 4। अब 3 2 4 में से जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, न्यूमेरिकली लार्जेस्ट एलिमेंट, उसको हम बाहर निकालेंगे। तो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट कौन सा है मेरे पास, बताए यहाँ पे 4 है, तो 4 को मैं बाहर निकालूंगा, तो जगह इट इज व्हाट 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, तो जगह 2/4 मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट 1। तो ये मेरा वेक्टर हो गया, इसको मैं डिनोट करता हूँ इट इज व्हाट लैम्डा 1 और x1 से। तो ये मेरा पहला अप्रोक्सीमेट वेक्टर है। तो मुझे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वेक्टर निकालना था, तो मुझे बताइए क्या रहेगा अप्रोक्सीमेट वेक्टर। अब आप देख रहे हैं तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, 3/4 मतलब 0.75, 1/2 मतलब 0.5 और ये 1 मेरा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 22। लेट x0 इक्वल्स टू 100 बी द इनिशियल आइगन वेक्टर व्हाइल फाइंडिंग द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बाय द इटरेटिव मेथड एंड सेकंड अप्रोक्सीमेट आइगन वेक्टर लैम्डा 2 फॉर द मैट्रिक्स इज गिवन बाय। अब देखिए यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ओके, इसको थोड़ा ध्यान रखिए आप। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सेकंड अप्रोक्सीमेट आइगन वेक्टर बोला हुआ है, मतलब आपको 2 बार यहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको लैम्डा 2 मिलेगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम इसको। 1 6 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 2 0 और इसके बाद 0 0 3। इसका मल्टीप्लीकेशन मैं लेने वाला हूँ, जो मेरे पास गिवन आइगन वेक्टर है दैट इज 1 0 0। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 × 1 ये 1 हो जाएगा, देन +6 × 0 इट इज व्हाट 0 और देन इट इज व्हाट 1 × 0 इट इज व्हाट 0। तो ये हो गया 1 + 0 + 0। फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ से, तो मुझे मिलेगा 1 + अगेन 0 + 0। थर्ड को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो कम्प्लीटली 0 आएगा, बिकॉज 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास वेक्टर आ जाएगा 1 1 0, इसमें से मैं लार्जेस्ट वैल्यू निकालूंगा वो 1 ही रहेगा, मतलब इसको मैं 1 1 0 ही लिखूंगा, मतलब ये मेरा हो जाता है लैम्डा 1 और इट इज व्हाट x1। बट मुझे क्या मिला कि आप लैम्डा 2 निकालिए करके, तो लैम्डा 2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फिर से मैं ये वाला जो मेरा मैट्रिक्स है इसको मैं कंसिडर करता हूँ 1 6 1 1 2 0 और 0 0 3, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरा जो यहाँ पे वेक्टर आया हुआ है, कौन सा वेक्टर है यहाँ पे 1 1 0, तो मैं 1 1 0 यहाँ पे लिख दूंगा। अब इसके बाद हम अभी नया वेक्टर निकालते हैं, तो 1 × 1 ये हो जाएगा 1, 6 × 1 मतलब इट इज व्हाट 6 प्लस 1 × इट इज व्हाट 0 मतलब ये 0। फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम को, ये हो जाएगा 1 + 2 + इट इज व्हाट 0, देन 0 0 दिस इज 0 मतलब लास्ट वाला रो तो मेरा यहाँ पे 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है इट इज व्हाट 7 3 और 0। अब लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी मेरे यहाँ पे बताइए, 7, तो 7 मैं बाहर निकाल दूंगा, तो यहाँ जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/7 और ये हो जाएगा 0। ये हो गया मेरा इट इज व्हाट लैम्डा 2 और x2। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो लैम्डा 2 मेरा क्या हो जाएगा इट इज व्हाट 7। तो 7 दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, यस 7 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट रहने वाला है। तो आपको हमेशा यहाँ पे पहले प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लेना कि पूछा क्या हुआ है, सो दैट फिर हम एग्जाम्पल को इजिली सामने में सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सी द एग्जाम्पल नंबर इट इज 23। नाउ यूजिंग यूलर्स मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस dy/dx इक्वल्स टू y − 2x/y एंड दिस इनिशियल कंडीशन इज गिवन टू अस y(0) = 1 गिव्स y(0.1) = 2, मतलब आपको y(0.1) यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हमें जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है यूलर्स मेथड अप्लाई करना है, ठीक है, यूलर्स मॉडिफाइड नहीं करना है, इसको ध्यान में रखिए। कभी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग यूलर्स मॉडिफाइड से आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा मुझे बताइए यूलर्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है इट इज व्हाट y1 = y0 + h (f(x0, y0)। अब x0 और y0 आपको चाहिए तो आपको यहाँ इनिशियल कंडीशन से मिल जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा मेरा इट इज व्हाट x0 दैट विल बी द 0 एंड y0 इट इज व्हाट 1, ये मेरा y0 और ये x0, ओके, वो मैं यहाँ पुट अप कर सकता हूँ। अब मुझे अभी एच का भी जरूरत लग रहा है, एच कितना लेंगे हम, हमें निकालना क्या है y(0.1), तो हम एच यहाँ पे 0.1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा इट इज व्हाट y0 दैट इज 1 प्लस एच कितना आ रहा है हमारा 0.1 f(x0, y0) x0 0 और y0 कितना है 1। अब फंक्शन ऑफ xy आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ xy मतलब जो RHS पार्ट होता है इक्वेशन का, वो मेरा फंक्शन ऑफ xy रहता है।
तो यहां पे आप x इक्वल टू जीरो पुटअप करेंगे और y इक्वल टू वन, मतलब यहां पे देखिए x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू वन पुटअप करना है। अब इसे आप इवेल्युएट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो अगर हमने यहां पे पुटअप किया x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू वन, मुझे मिलेगा इट इज व्हाट y दैट इज वन माइनस टू इंटू जीरो अपॉन इट इज y, y मतलब इट इज व्हाट वन, तो वन बाय वन मतलब वन, आंसर इज व्हाट 1.1। तो 1.1 कौन सा हमारा ऑप्शन बी है। अब आपको एक चीज रखना है कि y1 का मतलब ही y ऑफ 0.1 क्यों लिखा हमने, बिकॉज y1 को हम डिफाइन करते हैं y ऑफ x0 प्लस h से। तो आपको x0 जो है वो दिया हुआ है 0 और h हम लेते हैं फिर वे 0.1, इसलिए हमने यहाँ पे y ऑफ 0.1 निकालने के लिए हमने y1 निकाला था। सो देयरफॉर ये द ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 24। यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड dy by dx equals to y minus 2x by y, y of 0 equals to 1, y of 0.1 equals to 1.1 using Euler's method। तो using Euler's method आपको y of 0.1 दिया हुआ है, okay? And आपको निकालना क्या है, by using Euler's modified method हमें y of 0.1 निकालना है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो ये पिछला क्वेश्चन ही हमारे पास है, सेम क्वेश्चन जहाँ पे हमने y of 0.1 1.1 निकाला था Euler's method से। तो ये आपको दिया हुआ है, अब आपको मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहां भी आपको देखिए y1 ही निकालना है, y1 में आपको बताया था y1 होता है y ऑफ x0 प्लस h, x0 आपको यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 0 पुट अप कर दूंगा और h हमने 0.1 ले लिया है, ठीक है। तो y ऑफ 0.1 हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो हमको हम निकालना है अभी बाय मॉडिफाइड फॉर्मूला। तो बाय मॉडिफाइड फॉर्मूला हम पहला इटरेशन निकालते हैं बाय द फॉर्मूला, इट इज व्हाट y1 ऑफ 1 इक्वल्स टू इट इज y0 प्लस h बाई 2 रखना पड़ेगा यहाँ पे, देन इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा इट इज व्हाट y0 प्लस इट इज f ऑफ x1 एंड y1। अब आप ये वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे तो आपको आंसर आएगा इट इज y0 कितना हो जाएगा, y0 इज 1 हमें पता है बिकॉज यहां से हमने y0 निकाला और x0, तो x0 मेरा है यहाँ पे 0 और y0 इट इज व्हाट 1, तो 1 पुट अप कर दिया, h आपने 0.1 लिया था और उसके बाद x0 y0 आपने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया। अब हमें x1 और y1 लिखना है, तो x1 क्या होता है, x1 का मतलब होता है इट इज व्हाट x0 प्लस h, ओके। और y1 अभी मैंने आपको बताया था y1 इज व्हाट y ऑफ x0 प्लस h होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर x1 देखा तो x1 मतलब x0 प्लस h, x0 0 है, h कितना है 0.1, तो मेरा x1 हो जाएगा इट इज व्हाट 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0.1। और y1, y1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये मेरा y1 है, ओके, y ऑफ 0. दैट इज 1.1, दिस इज व्हाट y ऑफ 0.1, ओके, ये आपको दिया हुआ है इट इज व्हाट 1.1 बाय यूजिंग द यूलर्स मेथड। मतलब ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं यूलर्स मॉडिफाइड का, उसे हम करेक्टर फॉर्मूला कहते हैं। तो हम पहले यूलर्स मेथड से आंसर निकाल लेते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं मतलब आंसर को, और उसके बाद उसको करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग द यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम पुट अप कर रहे हैं क्या, दैट इज y1, y1 मतलब इट इज व्हाट 1.1, ये आ गया मेरे पास। अब इसे आप इवैल्यूएट कर लेंगे, एकदम सिंपल जॉब है, 1 प्लस दिस विल बी 0.05 डिवाइड बाय 2 और उसके बाद f ऑफ 0.1, तो आपके पास ये फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x y, इसमें आप सब्सिट्यूट कर दीजिए, हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन इट इज व्हाट 1 प्लस, यहाँ पे देखिए आपका x रहेगा 0.1, y रहेगा 1.1, तो हो जाएगा 1.1 माइनस 2 इंटू इट इज व्हाट 0.1 डिवाइड बाय व्हाट इज इट y, y कितना है बताइए, y है 1.1, ठीक है। अब इसको आप इवैल्यूएट कर लेंगे, अच्छा यहाँ पे 0.05 रहेगा, मैंने यहाँ पे गलती से एक्चुअली 0.05 डिवाइड बाय 2 लिखा था, बिकॉज 0.1 डिवाइड बाय 2 0.05 हो जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आता है इज व्हाट 1.0909, ओके, ये मेरा आंसर है यहाँ पे, दैट इज y1 ऑफ 1 का, ये मतलब पहला वैल्यू है मेरा पहले इटरेशन का बाय यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला। तो आपको यहाँ पे आंसर ये दिख रहा है, बट आपको देखिए आपको फाइनल आंसर पूछा हुआ है कि भाई इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो ये फाइनल आंसर नहीं, ये मेरा पहला इटरेशन का वैल्यू है। अगर आपको पहले इटरेशन का वैल्यू पूछा रहता बाय यूलर्स मॉडिफाइड फार्मूला तो हमारा ये आंसर करेक्ट रहता, बट अभी हमको इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा, मुझे मतलब अभी y1 ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। y1 ऑफ 2 हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1.1 था इसको हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब ये जो y1 होता है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इट इज 1.0909 से। तो यहाँ पे जहां भी 1.1 है मतलब यहाँ हम 1.0909 लिखेंगे, यहाँ भी हम 1.0909 लिख देंगे और यहाँ भी हम इसको रिप्लेस करते हैं, मतलब बस आपको इतना ही रिप्लेस करना पड़ता है और बाकी क्वांटिटी पूरी एज इट इज रहती है। अगर आपने इसको रिप्लेस किया तो आपका आंसर आता है यहाँ पर
इट इज 1.09, इट इज 08, ओके ये आया, देखिए अभी दोनों में डिफरेंस आया है। अब 1.0908 भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, अब उसके अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? यस, दो ऑप्शन और है यहाँ पे हमारे पास। इसके अलावा आप एक बार और इटरेशन कीजिए, दैट इज y1 of 3, उसमें हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पे जो 1.0909 हमने लिखा था उसकी जगह 1.0908 लिखेंगे, तो आपको आंसर आएगा 1.0908। तो यहां से मिलेगा, अब देखिए ये दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है तो हम स्टॉप करते हैं इटरेशन को और हम बोलते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है y1 का, और y1 क्या है हमारा y of 0.1, मतलब वैल्यू आ गया 1.0908। तो ये हमको इस तरह से यूलर्स में आंसर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, ना कि ऑप्शन बी, बिकॉज आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन पूछा हुआ है। अगर आपको पहला इटरेशन पूछा रहता तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहता था, बट आपको फाइनल सॉल्यूशन पूछा हुआ है तो ऑप्शन क्या है 1.0908 ये करेक्ट रहेगा। और देखिए डिफरेंस बहुत है कम यहाँ पे, क्या है डिफरेंस 0.0001 का है। हम देख लेते हैं हमने ऑप्शन कौन सा टिक किया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। Moving to the next question, 25. Using Euler's modified method, obtain the solution of the equation dy by dx equals to x plus mod of under root y with the initial condition y equals to 1 and x equals to 0. Find y of 0.4 with a step size 0.2 and using Euler's method, y of 0.4 is given as 1.4927. ओके अब आपको यहां पे निकालना है y of 0.4 by using the Euler's modified method। आपको स्टेप साइज दिया हुआ है 0.2, मतलब आपको h का वैल्यू दिया है, इट इज व्हाट 0.2, जिसको हमने यहां पे नोट डाउन कर लिया। अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं एक्चुअली क्या, इट इज y2 निकाल रहा हूं, बिकॉज y1 हम मैं 0.2 पे कैलकुलेट करूंगा और y2 0.4 पे कैसे करूंगा, देखो y of एक्चुअली होता है x0 plus it is 2h। अब देखिए यहां पे x0 कितना दिया हुआ है, ये क्वांटिटी मेरी हो जाएगी x0, दैट इज 0, ये हो जाएगी y0 मतलब इट इज व्हाट 1, तो x0 इज 0, हमने 0 ले लिया, हमने h यहां पे लिया है इट इज व्हाट 0.2 जो हमको दिया है ऑलरेडी। अब हम निकालेंगे y ऑफ 0.4, बट y ऑफ 0.4 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यूलर्स मेथड से। अब आपको यहां पे मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। y2 ऑफ 1 का फॉर्मूला क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, देन y2 of 1 that is what y1 plus it is h by 2 it is f of x1 and y1 plus f of x2 comma it is y2। अब इसके अंदर देखिए आपको ये जो फॉर्मूला आप याद कैसे रखेंगे, अगर आपको याद होगा आपने y1 of 1 का फॉर्मूला जो लिखा था वो ऐसा था, इट इज व्हाट y0 plus h by 2 it is f of x0 comma y0 then plus f of it is x1 comma it is what y1। तो ये था हमारे पास, तो हमने क्या किया, अगर हमें जो y2 का फॉर्मूला लिखना है तो मैं सफिक्सेस इंक्रीज कर देता हूं 1 से, तो यहां पे x0 y0 तो यहां पे x1 y1 लिख दिया आपने, यहां x1 y1 तो यहां पे आपने लिख दिया x2 और y2, यहां पे y0 तो यहां पे हमने y1 कर दिया, ठीक है इतना ही चेंज किया हुआ है। अब ये वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आप आंसर निकाल लेंगे इजीली। y1 देखिए बताइए मुझे क्या होगा, y1 यहां पे देखिए y1 जो है y1 मतलब इट इज व्हाट y ऑफ इट इज x1 होता है, x1 मतलब इट इज व्हाट x0 प्लस h, तो x0 मेरा क्या है 0 और h है मेरा 0.2, मतलब इट इज y1 इज इक्वल टू y ऑफ 0.2। तो y ऑफ 0.2 एक्चुअली यहां पे दिया रहना चाहिए था जो यहां पे नहीं दिया है, और ये होता है इट इज व्हाट 1.2309। एक्चुअली यहां पे बाय मिस्टेक ये चीज नहीं मेंशन है, इसको आप देख लीजिए y ऑफ 0.2 यहां पे रहना चाहिए, ठीक है ये क्वांटिटी, बिकॉज इसका यूज हम करने वाले हैं यहां पे। तो y1 आपने यहां पुट अप कर देना है, व्हाट इज व्हाट 1.2309 प्लस एच हमने लिया इट इज व्हाट 0.2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, एफ ऑफ इट इज व्हाट x1 मतलब मैंने आपको बताया था x0 प्लस h, x0 0 है और h आपने 0.2 लिया हुआ है तो हो जाएगा 0.2। y1 अभी हमने बताया आपको क्या है इट इज व्हाट 2309, ये हो गया, देन प्लस एफ ऑफ x2 क्या है यहाँ पे बताइए x0 प्लस 2h होगा यहाँ पे, तो x0 मेरे पास है 0 और 2 × h मतलब 0.2 × 2 मतलब 0.4 हो जाएगा यहाँ पे, ओके ये मेरा x2 मतलब क्या होता है इट इज x0 प्लस इट इज 2h, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको y2 आपको देखो दिया हुआ है, मतलब y ऑफ 0.4 का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे बाय यूलर्स मेथड, ये हो जाएगा 1.4927। अब इसको आप इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है हम देखिए फंक्शन आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, फिर फंक्शन क्या दिया हुआ है x प्लस अंडर रूट ऑफ y, तो x प्लस अंडर रूट ऑफ y आपने यहाँ पे फंक्शन को यूज कर लिया और उसके बाद यहां पे आपने उसको यूज कर लिया और ये वैल्यू आपने इवेल्युएट कर लिया यहाँ पे, ओके तो आपको ये जो पहला आंसर है y2 of 1 ये आपको आंसर आता है 1.5240।
ये मेरा पहला आंसर हो गया। अब ये 1.5240 जो मेरे पास आया है इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा इससे 1.4927 से, ठीक है। इस पर रिप्लेस करके फिर मैं दूसरा आंसर निकालूंगा, कौन सा, इट इज वाई टू ऑफ टू का सेकेंड इटरेशन का। तो वाई टू ऑफ टू आता है 1.5253, ओके। सिमिलरली फिर अब मैं क्या करूंगा, फिर से 1.5240 जहां पे है वहां पे रिप्लेस कर दूंगा 1.5253 को, तो मुझे वाई टू ऑफ थ्री आ जाएगा, मतलब थर्ड इटरेशन फॉर द वाई टू, एंड दैट विल बी अगेन सेम, इट इज 1.52, इट इज व्हाट, 53। अब ये दोनों सेम आ गए तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और हम कहेंगे कि ये मेरा आंसर है। तो 1.5253 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक क्वांटिटी नहीं दी थी, इट इज बाय मिस्टेक नहीं दी थी, ये क्वांटिटी आपको दी रहेंगी, दैट इज y ऑफ 0.2, दैट इज y1 का वैल्यू, y1 आपको दिया रहेगा और देन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इट इज व्हाट y2 यहाँ पे, या अदरवाइज ये प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर वहां पे आपको फिर y ऑफ 0.2 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, और उसके बाद फिर उसका यूज करके आपको ये वाला y ऑफ 0.4 का आंसर निकालना पड़ेगा। तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, अगर देंगे तो ये चीज आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहेगी। फिर यहां तक हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सामने के जो क्वेश्चन है मैंने यहां पे आपको लिंक दी है वीडियो की, उसमें आप देखिए फर्दर क्वेश्चन जो 25 है वो वहां पे आपको मिलेंगे।